झारखंड डिजी स्कूल ई कंटेंट बोकारो में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आइए क्लास सिक्स मैथमेटिक्स का यूनिट फाइव जिसमें एक्सरसाइज 5.4 के समान कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और तब एक्सरसाइज 5.5 शुरू करेंगे। तो बच्चों ध्यान से समझिए, आप लोग किताब निकाल लें, भिन्नों का योग और भिन्नों का घटाव कैसे किया जाता है। और भिन्न आप लोग जानते ही हैं कि भिन्न में क्या होता है कि अंश बटा हर होता है। तो दो भिन्नों का योगफल पहले जान लें कैसे करते हैं। जैसे पहला है 3/2 + 1/2, तो इसमें क्या है, हर को जो है समान नहीं रहने पर समान बनाया जाता है जिसमें लसा निकाला जाता है। लसा आप लोग जानते होंगे, तो देखिए 2 और 2 का लसा जो होगा वो जो है नया जो जो फल के बाद जो भिन्न बनेगा उसका हर होगा 2। अब क्योंकि 2 का पहला भिन्न का 3/2 में 2 हर है, तो ऊपर और नीचे क्योंकि ये 2 का 2 ही होगा तो ऊपर अंश का भी अंश 3 ही होगा, यानी हर वही संख्या रहेगा 2 का 2, तो भिन्न भी वही संख्या रहेगा। आगे है यहाँ भी हर 2 है तो अंश भी 1 होगा, यानी क्या होगा, ऊपर वाला सिर्फ जोगफल होगा, नीचे जोगफल नहीं होगा, 2 का 2 ही रहता है, 3 और 1 4 और ये 2/2। अब ये चूंकि भिन्न जो है कट जाएगा, हर से अंश कट जाएगा, यानी इसका हल निकालना रहेगा, तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4, यानी 2 आंसर हो जाएगा। ये कट गया, विभाजित हो गया, इसलिए नहीं तो फिर भिन्न ही रहता। तो आगे देखेंगे 3 और 5 हर है सवाल में, तो 3 और 5 हर जो है क्या होगा कि लसा में बदल जाएगा, यानी 5 × 3 = 15 से लसा लिखेंगे। अब यहाँ क्या होगा कि 3 को क्या किए हैं 15, यानी 3 को 5 से गुना करके 15 लाए हैं, तो 2 को भी 5 से गुना करके लाएंगे, यहाँ गुने क्या हो गया है 5, 3 × 5 = 15 आया, तो 2 को भी इस 5 के समान गुना करके लाएंगे, 2 × 5 = 10। फिर इसको यहां भी लिख सकते हैं 2 × 5, जैसे आगे हम बताएंगे उस समय देख लेंगे ना। तो फिर यहां देखेंगे 5 को लाए हैं क्या 15, यानी यहाँ 5 को 3 से गुना करके लाए हैं, तो 2 को भी क्या करेंगे 3 से गुना करके लाएंगे, 2 × 3 = 6, यानी 10 × 16 = 15 ऐसा हो जाता है। सेम इसी प्रकार इसको करेंगे, जैसे 6 × 5 = 30 हो गया, यहाँ मान लीजिए लिखते हैं 6 × 5 = 30 ही होता है लसा, तो यहाँ क्या करते हैं कि 3 को 6 से गुना करते हैं, यानी 5 × 6 = 30, तो 3 × 6 हो गया प्लस फिर 6 × 5 = 30, यानी 5 × 5 = 25 हो जाएगा, ये 5 × 5 = 5 समझे, तो इस रूप में भी लिख सकते हैं, तो होगा 6 × 3 = 18 + 5 × 5 = 25 / 30, यानी आंसर हो जा रहा है इसका 8 × 5 = 13। इसको नीचे लिख देते हैं 8 × 5 = 13, या सीधे इसको आप समझ गए होंगे, तो यहाँ पर हम इसको शॉर्टकट ऐसे लिख देते हैं, 5 × 6 = 30 हुआ है, फिर 6 × 3 = 18, 5 × 6 = 25, आंसर हो गया, जोड़ देना है 18 और 25 = 43, 43 / 30 आंसर हो गया, सवाल हो गया। अगला सवाल इसमें क्या करना है कि मिश्र भिन्न है, पूर्णांक भी है भिन्न भी है, तो इसको कैसे करते हैं, ये पूरा पूर्णांक और ये जो हर है इसको गुना करते हैं, 3 × 2 = 6 और ये 1 जो है इसको जोड़ देते हैं, तो 6 और 1 जोड़ देंगे और बट्टा में जो रहेगा वो 2 ही रहेगा, प्लस यहाँ भी 2 × 5 = 10 नीचे लिखेंगे, यहाँ पर जैसे 2 × 5 = 10 इसको समझ लीजिए, 2 × 5 = 10 हो गया, प्लस में 3 जोड़ देंगे, 5
और ये हो गया 6/7/2 और ये 13/5। इसको सरल करेंगे तो 2 × 5 = 10 और 7 × 5 = 35 यहाँ गुना हो जा रहा है बाई क्रॉस समझिए, और 7 × 5 = 35 और प्लस 26 35 और 26 जोड़ देना है तो जितना होगा आंसर होगा। ये कितना हो जाएगा 5 × 6 = 11 और 4 × 2 = 61/10 61/10 आंसर हो गया। ये 4 भी बन गया 3 भी बन गया 2 भी बन गया 1 भी बन गया। ये जो फल का ये जोड़ का चिन्ह था। अब इसी तरह सेम यहाँ सवाल है जो भिन्न सेम है लेकिन जोड़ के जगह पर घटा किए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि 2 2 यहाँ भी है तो यहाँ लसा 2 हो गया, ऊपर में 3 + 1 नहीं 3 - 1 हो जाएगा यानी यहाँ 2/2 यानी पूरा ये विभाजित हो जाएगा तो ये कैंसर हो गया। आगे देखते हैं 3 5 यहाँ लसा ले लेंगे 15 है, फिर 5 × 2 = 10 है, फिर 3 × 2 = 6 है, 3 × 6 माइनस हो गया यहाँ 4/15 आंसर हो गया। जबकि यहाँ क्या था जोड़ का चिन्ह था, 10 में 6 जोड़ना था, 10 में 6 घटा दिया है। आगे है 5 × 6 = 10 प्लस हो गया 30, फिर 6 × 3 = 18 और 5 × 5 = 25 5 × 5 = 25। इसमें देखना क्या है कि यहाँ जो भिन्न लिया गया है इसमें ये 5/6 बड़ा हो गया और 3/5 छोटा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस में आंसर देंगे। सरल हल करने से जाना है कि देखिए 18 इधर कम भी हो सकता है तो इसमें घटाएंगे 25 में ही 18 घटाएंगे तो 7 बचता है, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस है, बड़ा जो रहता है उसका चिन्ह उतरता है तो ये चिन्ह माइनस है से माइनस, तो इसका 30 आंसर हो गया, ये ऋणात्मक भिन्न है। आगे देखते हैं ये 3 × 6 हो गया प्लस में 1 जोड़ना है 2/2 घटाव है 5 × 2 = 10 प्लस 3 ये अंश को जोड़ना है और हर से गुना करना है पूर्णांक को, बराबर हो गया 6 × 1 = 7/2 घटाव घटाव में हो गया 13/5 यहाँ क्या होगा एलसीएम होगा 5 × 2 = 10 और 5 × 7 = 35 और 13 × 2 = 26 घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ चूंकि जोड़ था इसलिए 61 हुआ था और यहाँ 35 में 26 घटेगा तो 9/10 हो जाएगा। सेम ये जो फल में जोड़ते थे और घटाव में घटाते हैं, इतना ही ये सवाल आप हल करके समझ गए होंगे। आप लोग अगले वीडियो में फिर देखेंगे एक्सरसाइज 5.5 का सॉल्व करेंगे और आप लोग फिर आगे विशेष रूप से भी अच्छी तरह से समझेंगे। तो इतना ही, थैंक यू, अगले वीडियो में आते हैं, धन्यवाद।